कोटे में कोटा, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसके बाद देश में एक नया विवाद छिड़ गया है। देश भर से लगातार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध देखने को मिल रहा है। राजनीतिक पार्टियां इस पर राजनीति भी खूब खेल रही हैं। इसी कड़ी में देश भर के विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद का समर्थन करते हुए इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का ऐलान किया है। इसे लेकर बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कार्यकर्ताओं से फैसले का पुरजोर विरोध करने और शांति की अपील करते हैं। सतीश चंद्र ने कहा कि हम सब जानते हैं कि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बयान मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट के उप वर्गीकरण के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। बहन जी के दिशा निर्देश बीएसपी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से अपील है कि बीएसपी के नीला झंडा और हाथी निशान के तहत 21 अगस्त 2024 को होने वाले भारत बंद में शामिल हो और जनता को खासकर दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और न्याय पसंद लोगों तक उप वर्गीकरण के बारे में जागरूक करें। उन्होंने अपील की कि बसपा के सभी कार्यकर्ता अनुशासित एवं संवैधानिक तरीके से बड़ी संख्या में भारत बंद में शामिल हो। मायावती के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने सोमवार को एक्स यानी ट्विटर पर लिखा, कहा कि आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में हमारे समाज ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। हमारा समाज शांति प्रिय समाज है, हम सबका सहयोग करते हैं, सबके सुख दुख में हमारा समाज शामिल होता है, लेकिन आज हमारी आज़ादी पर हमला किया जा रहा है। 21 अगस्त को इसका शांतिपूर्ण तरीके से करारा जवाब देना होगा। मायावती ने इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार से भी संसद का विशेष सत्र बुलाने और बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने की अपील की है। बता दें कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से लगातार राजनीति भी खूब देखी जा रही है। खबर निकलकर सामने आ रही कि मायावती भी खुद आंदोलन में शामिल हो सकती हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 आवाज के साथ।